पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश खुद वो तालिबान नाकाम कर देता है जिसको पाकिस्तान ने बम गोला बारूद दिया अफगानिस्तान की सत्ता में बैठने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ भारत को लेकर तालिबान ने कभी कुछ गलत नहीं बोला। अगर उसने बोला तो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद बोला, क्योंकि भारत ने तालिबानी शासन के बावजूद अफगानिस्तान को हर संभव मदद की और एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान में वो कर दिखाया जिसके बाद पाकिस्तान की तो मानो नींद ही उड़ गई। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच रिश्ता भाई भाई वाला है और तालिबानी हुकूमत आने के बाद भी अफगानिस्तान की जनता को गेहूं भेज रहा है भारत। अब पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि भारत अफगानिस्तान के लोगों को पहले पाकिस्तान के रास्ते से गेहूं बेचता था, लेकिन जब भारत को शक हुआ कि पाकिस्तान भारत के गेहूं की चोरी कर रहा तो इस बार भारत ने पाकिस्तान को साइड करते हुए अपने दोस्त ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं भेजा और अपना वादा पूरा किया। निकेई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के लोगों के लिए गेहूं का गिफ्ट भेजा। इस बारे में यूएन के एक प्रवक्ता ने बकायदा सूचना दी और भारत की जमकर तारीफ करते हुए ये कहा कि आने वाले महीनों में अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत सहायता के लिए दान में भेजने वाला है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह की तरफ से गेहूं भेजने का वादा पूरा करेगा। इस बार भारत ने ईरानी सीमा पार करके अफगानिस्तान के हेरात क्षेत्र में गेहूं भेजा है, जबकि पिछली बार पाकिस्तान के रास्ते ट्रकों से गेहूं की खेप अफगानिस्तान भेजी थी। तो अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान ने पहले कई बार मदद के लिए खुलकर भारत का शुक्रिया अदा किया। इससे पिछली बार की बात करें तो तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था, हम चबहार पोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। इस तरह के मानवीय कदम से दोनों देशों में विश्वास बढ़ता है, जिससे आपसी सकारात्मक संबंध बनेंगे। पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी। वैसे अब पूरी दुनिया देख रही कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए खजाना खोल दिया और यही वजह है कि हर दूसरे दिन तालिबान भारत को थैंक यू बोलता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का ये थैंक यू पाकिस्तान को मानो मिर्ची जैसे लगता है। खैर छोड़िए पाकिस्तान को, भारत अफगानिस्तान के लिए पहले भी जान लगाता था और अब भी जान लगा रहा, और दुनिया को यह साफ दिख रहा कि पाकिस्तान जैसे देश भले ही हथियार भेजकर अफगानिस्तान में खून की होली खेल चुके हों, लेकिन भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए हर संभव मदद कर रहा, खाने से लेकर दवा तक। अब आपका क्या कुछ कहना है भारत जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों की खुलकर मदद कर रहा है उसे लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।